माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम है अशोक गोयल और आप देख रहे हैं न्यू मोबाइल टेक्निकल सॉल्यूशन। तो दोस्तों, मेरे पास में एक मोबाइल आया रेडमी का नोट 7 प्रो। इसका हम ऑफलाइन हमारी अकाउंट रिमूव करेंगे, वो भी UMT टूल के द्वारा। तो दोस्तों, आप वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहें, और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साथ में जो बेल का आइकन बना हुआ है इसे दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम UMT क्यूसीफायर टूल को ओपन कर लेते हैं। ये न्यू अपडेट है 6.0, इसके अंदर ये मॉडल ऐड किया गया है, तो मैं आपको आज लाइव डेमो करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले तो हमें रीड एंड टूल पे जाना है, इसके बाद में हमें मॉडल को सिलेक्ट करना है। ये इसके अंदर ऑप्शन है, तो हमें रीड एंड टूल के अंदर जाके यहाँ पे सबसे पहले तो हम शाओमी मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे, कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे, हमारा कौन सा ब्रांड है। ये हमारा शाओमी का ब्रांड है। इसके बाद में हमें रेडमी नोट 7 प्रो मॉडल सिलेक्ट कर लेंगे। ये आप देख पा रहे हो, इसके अंदर बहुत मॉडल दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं कंपनी ने। और जो UMT टूल के अंदर फ्यूचर है दोस्तों, बहुत ही अच्छे फ्यूचर है दोस्तों, और इतना सस्ता टूल होने के बावजूद। इसके बाद दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें मोबाइल को ओपन कर लेना है। मैंने मोबाइल को पहले ही ओपन कर रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और आपको पता ही है, इडल मोड में लेके आना है मोबाइल को, 9008 के ड्राइवर लगा लेने हैं आपको, अगर आपने PC के अंदर 9008 इडल मोड के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं तो। ये मैंने मोबाइल को ओपन कर दिया है, बैक कवर को, इसका और ज़्यादा कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको दो बड़े वाले पॉइंट दिख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा बड़ा स्क्रीन करके दिखा दूंगा। इन पॉइंटों को अटैच करके हमें डाटा केबल को लगाना है, और इसका बैटरी का पत्ता हटा देना है। ये आप देख पा रहे हो, दो पॉइंट में जो मैंने तीर के निशान लगा रखे हैं, इनको दोनों चिमटी से एक करके और डाटा केबल को लगा देना है, और बैटरी का जो पत्ता है उसको हमें निकाल देना है, जिससे हमारा मोबाइल EDL मोड के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मैंने बैटरी का कनेक्टर नहीं हटाया था, बता दिया मैंने। पॉइंटों को अटैच करके डाटा केबल लगाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा मोबाइल EDL मोड के अंदर हुआ है नहीं हुआ है। और दोस्तों, ये वीडियो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि न्यू इन्फॉर्मेशन है, और ताकि जो भाई ऑनलाइन के चक्रों में हैं तो दोस्तों, आप रेडमी नोट 7 प्रो के लिए ऑनलाइन के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा मोबाइल EDL मोड के अंदर आया है नहीं आया है। पोर्ट को ओपन करेंगे, आप देख पा रहे क्वालकम एचएस USB क्यू लोडर 9008 के कॉम बना लिया है इसने, और ड्राइवर उठा लिए हैं दोस्तों। इसके बाद में हमें जाना है Xiaomi स्पेशल के अंदर जाना है दोस्तों। इसके अंदर और कुछ गड़बड़ नहीं करनी, में रीसेट MI अकाउंट पे क्लिक करना है और नो कर देना है। और दोस्तों, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में FRP लॉक मांगेगा, तो दोस्तों इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कल दे दूंगा दोस्तों इसकी वीडियो में FRP इसका हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो वीडियो आप देख लीजिए, इससे हमारा MI अकाउंट ही रिमूव होगा दोस्तों, FRP नहीं निकलेगा इससे। तो FRP के लिए मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट मेट करके जरूर बताना, अच्छी लगे तो, अच्छी ना भी लगे तो, और कोई प्रॉब्लम आई तो, और कुछ भी समझ में आए तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।